बारिश का पानी सावन के महीने में भोलेनाथ का अभिषेक कर रहा है। ऐसा नजारा देखने को मिला छतरपुर के जटाशंकर मंदिर में, जहां बारिश का पानी मंदिर परिसर में घुस आया। छतरपुर में पिछले 12 घंटे से हो रही तेज बारिश के कारण प्राचीन धार्मिक स्थल जटाशंकर जलमग्न हो गया। बारिश से यहां के प्राकृतिक झरने एक बार फिर उफान पर आ गए, जिससे मंदिर परिसर में करीब 2 फीट तक पानी बहने लगा। वहीं मुख्य मंदिर में भी भगवान की चौकी तक पानी पहुंच गया है। जटाशंकर न्यास के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने बताया कि मंदिर पहाड़ों से घिरा होने के कारण यहां थोड़ी देर की जोरदार बारिश से पूरा पानी सिमट कर मंदिर परिसर में आ जाता है, जिससे यहां बड़ा ही प्राकृतिक और सुंदर नजारा देखने को मिलता है। बुधवार और गुरुवार को एक बार फिर श्री जटाशंकर धाम में जोरदार बारिश हुई, जिससे यहाँ के पहाड़ों और सीढ़ियों से प्राकृतिक झरने बह निकले, जिससे यहाँ का वातावरण एकदम अद्भुत हो गया। लोग इसको सोशल मीडिया पर देखते ही यहाँ पर बड़ी तेजी से पहुँचने लगे। श्री जटाशंकर धाम में वर्षा ऋतु के दौरान यहाँ का प्राकृतिक श्रृंगार हो जाता है, जिससे यहाँ की वादियाँ हरी भरी दिखाई देती हैं, जगह जगह से झरने बहते हैं और लोगों को आनंदित करते हैं। यही कारण है कि यह धार्मिक स्थल लोगों के बीच धार्मिक के साथ ही पर्यटन के रूप में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।